कुन का फटका, 440 का झटका। शर्मा देंगे भाईजान का साथ, कैसा होगा फिल्म का प्रमोशन। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। सलमान खान की आने वाली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग अप्रैल में शुरू होगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। भाईजान तो अपनी पूरी टीम के साथ तैयार हैं फिल्म का शुभारंभ करने के लिए, तो चलिए आज इसी फिल्म को लेकर गॉसिप करते हैं। कभी ईद कभी दिवाली इस साल रिलीज होने वाली है, वो भी ईद के दिन, क्योंकि अभी तक ईद पर सलमान की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं वो ब्लॉकबस्टर रही हैं। इसीलिए प्रोड्यूसर साजिद नारियावाला और डायरेक्टर फरहाद सामजी के साथ मिलकर उन्होंने ईद का प्लान बनाया है। वैसे भाईजान कई वजहों से लाइमलाइट में रहते हैं। अब इस फिल्म में वो अपने से आधी उम्र की हीरोइन से रोमांस करके वो ऑडियंस के होश उड़ाने वाले हैं। पता है कौन है वो हसीना? साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस जिन्होंने अपने दमदार एक्टिंग स्किल्स और बोल्डनेस की वजह से सबको दीवाना बनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूजा हेगड़े की। पूजा हेगड़े वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। सोशल मीडिया द्वारा उन्हें चाहने वाले और फॉलो करने वालों की कमी नहीं है। पूजा और सलमान की फ्रेश जोड़ी दर्शकों को जरूर पसंद आएगी, तो ये भी दिख ही रहा है। इस फिल्म के द्वारा पूजा का एक बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है, सलमान के साथ काम करने का। इस फिल्म में वो एक सिंपल लड़की का रोल निभाने वाली है। सीधी सोच, सीधी बातें, सीधी सीधी पर्सनालिटी, यही उनके रोल की खासियत है। पर जिस फिल्म में सलमान हो वहाँ किसी और को टेंशन मिलना कितना मुमकिन है? सबकी नजरें तो उन पर ही होती हैं। उनकी बैड डांसिंग को भी ऑडियंस खूब प्यार करती है, तो जाहिर सी बात है कि इस फिल्म में उन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। भले ही ये तीन भाइयों की कहानी है पर पूजा का भी इसमें इतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसलिए पूजा के फैंस को ये लग रहा है कि या सलमान जितना रिकॉग्निशन उन्हें भी मिलेगा या भाईजान के चक्कर में पूजा को इग्नोर किया जाएगा। वैसे ये कोई जानबूझकर बात की जाने वाली नहीं है, पर पूजा भी एक तगड़ी अदाकारा है। भले ही वो एक फीमेल ओरिएंटेड कहानी ना हो पर मीडिया और फैंस का इक्वल अटेंशन मिलना तो बनता ही है। वैसे पूजा के साथ आयुष शर्मा भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। आयुष मतलब सलमान के जीजा, पर कुछ खबरों के अनुसार उन्हें सपोर्टिंग रोल्स करने में कोई मजा नहीं आ रहा। वो अपनी अलग पहचान बना रहे हैं और अपनी सपोर्टिंग रोल्स करके बॉक्स में नहीं रहना चाहते। आयुष एक दमदार एक्टर हैं। उनकी फिल्म अंतिम में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस देकर सबको हैरान कर दिया था, जिसमें उनके साले साहब भी आते हैं, या यूं कहें कि सलमान से भी अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। अगर वो फिल्म में नहीं होंगे तो उनके फैंस जरूर नाराज होंगे। वैसे आपने सोचा है कि फिल्म का प्रमोशन किस तरह से होगा? अगैन, ये भाईजान की फिल्म है इसलिए तो ग्रैंड तरीके से प्रमोशन किया जाएगा, और भाईजान का अपना द कपिल शर्मा शो है ही, उसमें तो जमकर बरसात होने ही वाली है। पर इसके साथ साथ साउथ कलाकारों को लेने के बाद वहाँ के ऑडियंस के सामने फिल्म प्रमोट करना बनता है। इसके लिए साजिद भी काफी चर्चा कर सकते हैं। वैसे जब प्रमोशन होगा तब तो हम देखने वाले हैं। अब आज की तीनों खबरें जानकर आपको कितनी खुशी हुई? अपनी राय जल्दी से हमें कमेंट्स बता दीजिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी आज की राइटर है तृप्ति।